हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करनाज रसोई। दोस्तों, आपने पराठे तो कई तरह के खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन जो पराठे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर इस पराठे को बनाएं। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पापड़ की चूरी का पराठा। और पापड़ जो है वो आसानी से घर में मिल जाता है, आप फटाफट उससे पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अगर कोरा भी खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगेगा, तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड़ की चूरी का पराठा। तो यहाँ हमें पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पापड़ को सेकना होगा। आप सेकने की जगह पापड़ को तल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन्हें सेक कर ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर दो पापड़ सेक कर तैयार कर लूँगी। आप जितने पराठे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पापड़ को सेक ले या तल ले। तो सेकने के बाद हम अब पापड़ का जो है वो चूरा बना लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर हम इसका चूरा बनाकर डाल लेंगे। तो इस तरीके से हाथों से इसे मसल कर इसका चूरा बना लेंगे। यहाँ पे हमने जो है पापड़ का चूरा बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ी सी इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपका पापड़ अगर खाने में तीखा है तो आप यहाँ जो है मिर्ची कम कर सकते हैं। वैसे भी ये जो पराठे हैं मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसमें जो मसाले की क्वांटिटी है वो कम रखूँगी। आप यहाँ पर मसाले जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी पापड़ में नमक होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से डालें। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक हम इस और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए प्याज, और हाथों से इसे इस तरीके से मैश करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप इसमें कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन जो सरसों के तेल का फ्लेवर है इस पराठे में बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें कच्चा सरसों का तेल डाला है। तो यहाँ हमारी जो पापड़ की स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। आप अगर इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो इसमें से धनिया और मिर्ची निकाल देते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है और अब हम इसका चलिए पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने से पहले मैंने ये आटा बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि अगर हम इस ज़्यादा देर इस स्टफिंग को रखेंगे तो ये थोड़ी सी मैशी हो जाएगी, क्योंकि जो है प्याज अपना पानी छोड़ देंगे। तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है, हमने थोड़ा सा इस पर तेल लगाकर इसे चिकना कर लिया है। अब हम आटे की जो है एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इस पर लगा लेंगे दोनों तरफ से सूखा आटा, और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो इसमें अच्छी तरह से हम भर सके। तो इस तरीके से हमें इसे छोटा सा बेलना है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो यहाँ हमें जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से भरनी है, क्योंकि तभी जो है पापड़ का जो पराठा है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी इसमें स्टफिंग भर ली है। और अब हम इसे पैक कर लेंगे। तो इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए हम इस लोई को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आप इसी तरीके से बनाएंगे। और अब हम इसमें जो है वो एक्स्ट्रा आटा निकालेंगे नहीं, इसी में डालकर और इस तरीके से इसे पैक कर लेंगे। और फिर से हम इस पे दोनों तरफ से सूखा आटा लगा लेंगे और अब इसे बेलेंगे। तो बेलते वक्त इसे थोड़ा हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाले हैं तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पराठे में से बिल्कुल भी प्याज या पापड़ नहीं निकलेगा। तो यहाँ हमने जो है पराठे को बेल कर तैयार कर लिया, और आप देख सकते हैं कहीं से भी जो है स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। तो यहाँ हमारा जो तवा है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठा जो है वो डाल देंगे, और जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगा इस पर हम तेल लगाकर इसे सेक लेंगे। आप यहाँ पे तेल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकती है। मैं यहाँ जो पराठा सेकने के लिए जो मूँगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पराठा जो है वो एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसमें लगा लेंगे तेल। तो तेल लगाकर फिर से इसे पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी जब ये सिक जाएगा तो फिर से हम इस पर तेल लगाकर और इसे कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। तो चलिए अब हम इसको पराठे को अच्छी तरह से सेक लेते हैं।
तो यहाँ हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार है, और इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो बच्चों का लंच है वो बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और आप मेरे चैनल पर जो वीडियो है उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको जो वीडियो की है लिंक मिल जाएगी और आप आसानी से वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।